बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुजम्मिल अल्ताफुल। सो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो ये कि लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। उसके बाद फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, यानी लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसके कौन कौन से फंक्शन है, उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स के बने होते हैं, यानी कौन कौन से कंपोनेंट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है। उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ लिम्फ पढ़ेंगे, यानी लिम्फ के अंदर कौन कौन से सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद रेट ऑफ लिम्फ पढ़ेंगे, यानी हमारे नॉर्मल जो पर डे कितना लिम्फ की फिल्ट्रेशन होगी। उसके बाद हमारे कौन से ऑर्गन है जिनमें लिम्फ एब्सेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। जनरली अ सिस्टम विच ड्रेन द फ्लूड दैट हैज लीक फ्राम ब्लड वेसल टू इन टू द इंटेस्टाइन ऑफ टिश्यू एंड एम्प्टी इन टू द ब्लड स्ट्रीम विया लिम्फ वेसल्स। यानी लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेसल्स से जो हमारा फ्लूड लीक हुआ है वो इंटेस्टाइन टिश्यू में आया है, उसको एम्प्टी करके वो ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेजल में भेजेगा थ्रू लिम्फ वेजल। तो उसको हम क्या कहेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। यानी लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन ये है कि जो फ्लूड है हमारी ब्लड वेजल्स में वो ब्लड वेजल्स से हमारी इंटेस्टाइन टिश्यू में आया है, वो इंटेस्टाइन टिश्यू में टिश्यू से लेकर ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेजल्स में वापस जाएगा थ्रू लिम्फ वेजल। तो ये सारा का सारा फंक्शन किसका है? लिम्फेटिक सिस्टम का। यानी ऐसा सिस्टम जो हमारा फ्लूड है उसको इंटेस्टाइन टिश्यू से एम्प्टी करके ब्लड वेजल्स में सेंड करें तो उसको हम क्या कहेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम है उनके तीन मेजर्स फंक्शन है। एक ये मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूड, यानी जो फ्लूड है जैसे लिम्फ है या इंटेस्टाइनल फ्लूड है इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्बेशन ऑफ फैट इन जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लेक्टेल्स, जो हमारे फैट्स के मॉलिक्यूल है उनकी एब्जॉर्बेशन में किसका रोल है? लिम्फेटिक सिस्टम का। ये कैसे करता है? बेसिकली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक लिम्फ वेजल्स स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लेक्टेल्स कहते हैं। उनका फंक्शन क्या है कि फैट एब्जॉर्बेशन जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, तो इसलिए हम कहते हैं कि एब्जॉर्बेशन ऑफ फैट इज़ अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद इन्हांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी की इन्हांसमेंट करना, यह भी किसका फंक्शन है? लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम के कितने फंक्शन हो गए? तीन। एक मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूड, फ्लूड की कंसंट्रेशन मेंटेन करना। दूसरा एब्जॉर्बेशन ऑफ फैट, फैट को एब्जॉर्ब करना। तीसरा इन्हांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को इन्हांसमेंट करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हम पढ़ के आए हैं कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है, उसमें ब्लड वेसल्स पढ़ के आए और जो हमारा हार्ट है पढ़ के आए। इसी तरह हमारा जो लिम्फ वेसल है, स्प्लीन है, थायमस है, टॉन्सिल्स है, ये कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। यानी लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज़ का बना है? लिम्फ वेसल्स का, स्प्लीन का,
थायमस का और टॉन्सिल्स का। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, जैसे हम पढ़ के आए कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, उसमें WBC होते हैं, RBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इसी तरह लिम्फ की कंपोजिशन क्या है, उसमें प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, WBC होगा, आयंस होगा और वाटर होगी। यानी लिम्फ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, वाटर होता है, आयंस होते हैं, WBC होते हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद रेट ऑफ लिम्फ फ्लो, यानी जो हमारी बॉडी है उसमें नॉर्मल लिम्फ फ्लो कितनी होती है पर डे, 2 to 3 liters। यानी हमारे बॉडी में लिम्फ कितना है फ्लो करता है पर डे, 2 to 3 liters। उसके बाद जो हमारे कौन कौन से ऑर्गन है जिसमें लिम्फ एब्सेंट होता है, एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा कॉर्निया जो आई के अंदर होता है। आपसे जो इस टॉपिक्स में से MCQs आ सकते हैं वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ इट, एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद आपसे कोई ये पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, आपसे ऑप्शन दे सकता है लिम्फेजल, स्प्लीन, थायमस, टॉन्सिल, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ पूछ सकता है, रेट ऑफ लिम्फ पूछ सकता है। उसके बाद जो मेन MCQs आता है वो ये आता है कि इन विच ऑर्गन लिम्फ इज एब्सेंट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्निया, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। क्या होगा ऑल ऑफ दिस।